हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग। तो वेलकम है आपका इस एसएससी जेई 2020 की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास लास्ट टॉपिक बचे हुए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के, इनके शॉर्ट नोट्स देखते हैं। आफ्टर दैट इन टॉपिक्स के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो एसएससी जेई 2020 के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, टॉपिक है हमारे पास बाउंड्री लेयर थ्योरी। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन बनता है इसमें कि बाउंड्री लेयर डेवलप होने का रीजन क्या है, कि बाउंड्री लेयर डेवलप क्यों होती है किसी भी बॉडी के ऊपर। तो बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी बाउंड्री लेयर क्या होती है हमारे पास डेवलप होती है। रीजन क्या है बाउंड्री लेयर डेवलप होने का, वो है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। इट मींस यदि सर आइडियल फ्लूइड है तो कोई भी बाउंड्री लेयर डेवलप नहीं होगी। हाँ राइट, कोई भी बाउंड्री लेयर डेवलप नहीं होगी यदि हमारे पास आइडियल फ्लूइड है। अब जैसा कि बाउंड्री लेयर रीजन में फ्लो क्या होता है, विस्कस और रोटेशनल होता है, और जब विस्कस और रोटेशनल फ्लो है तो हम जानते हैं कि बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि बाउंड्री लेयर रीजन में बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होती है। तो बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल कहां होती है, आउटसाइड द बाउंड्री लेयर रीजन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि आउटसाइड द बाउंड्री लेयर रीजन फ्लो कैसा होता है, फ्लो इज नॉट विस्कस। नॉट विस्कस का मतलब क्या है, इररोटेशनल, और इररोटेशनल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल, और पोटेंशियल का मतलब क्या है, आइडियल फ्लो है। तो आउटसाइड द बाउंड्री लेयर रीजन फ्लो कैसा होगा, नॉन विस्कस होगा या इररोटेशनल होगा। तो यहां पर बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। इसके बाद याद रखना है कि लेमिनार सब लेयर रीजन टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर रीजन में एग्जिस्ट करता है। लेमिनार सब लेयर रीजन कहां एग्जिस्ट करता है, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर रीजन में। देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बाउंड्री कंडीशन आपको याद रखनी है। देखिए कुछ डाटा है हमारे पास कि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू। तो डाटाबेस क्वेश्चंस के लिए मैंने क्या किया है, अलग से एक लेक्चर तैयार किया है जिसमें कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स के डेटाबेस क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ डाटा इसमें मैंने कवर नहीं किया है। तो वो आप उस लेक्चर्स को यदि देखोगे तो कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स में जितने भी डाटा आपको याद रखने हैं, कि वो क्वेश्चंस ऐसा है कि यदि आपको डाटा याद है तभी आप एग्जाम में कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो वो लेक्चर भी आप देख सकते हो। तो लेमिनार सब लेयर रीजन, सॉरी हम बात कर रहे थे बाउंड्री लेयर बाउंड्री कंडीशंस की। तो यहां पर देखते हैं कि दिस इज नॉन एज लीडिंग एज। तो लीडिंग एज पर जब एक्स की वैल्यू जीरो होती है तो डेल्टा भी क्या होगा, जीरो होगा। दूसरी बाउंड्री कंडीशन होती है बाई इक्वल टू जीरो, मीन्स ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास बाई एक्सिस है, कि जब बाई की वैल्यू जीरो है तो यू की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास जीरो होगी। और एट बाई इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू यू इन्फाइनाइट, और बाई इक्वल टू डेल्टा डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू जीरो। तो ये फोर बाउंड्री कंडीशन है, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस की। तो बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होती है, कि सरफेस से बाई डायरेक्शन में वह डिस्टेंस जहां पर वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी की 99% हो जाती है, तो उसे कहा जाता है बाउंड्री लेयर थिकनेस। और इसके बाद आता है फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के, डेल्टा स्टार, मोमेंटम थिकनेस और एनर्जी थिकनेस के। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डेल्टा स्टार होता है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू डेल्टा वन माइनस का यू अपॉन यू इन्फिनिटी इंटू डी वाई। मोमेंटम थिकनेस होती है हमारे पास, एक टर्म्स और ऐड हो जाती है, यू अपॉन यू इन्फिनिटी, और एनर्जी थिकनेस में यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टर्म्स आपको तीनों याद रखनी है। साथ के साथ याद रखना है कि लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए तीनों में रिलेशनशिप क्या होता है, कि हाइएस्ट होता है डेल्टा, इसके बाद आता है डेल्टा स्टार, और देन आता है हमारे पास मोमेंटम थिकनेस। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखनी है कि तीनों में रिलेशनशिप क्या होती है। आफ्टर दैट आपको याद रखना है कि शेप फैक्टर क्या होता है, कि शेप फैक्टर होता है हमारे पास, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू द मोमेंटम थिकनेस। शेप फैक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू द मोमेंटम थिकनेस। और ये टर्म्स यूज में ली जाती है एनालिसिस ऑफ फ्लो सेपरेशन। और लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए शेप फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, हमारे पास 3 होती है। आफ्टर दैट आपको याद रखना है बॉन कार्मन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। और बॉन कार्मन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन में जो हम अजम्पशंस लेके चलते हैं वो होती हैं स्टडी फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, एंड डीपी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, एंड दिस इज वैलिड ओनली फॉर एक्सटर्नल फ्लो। क्योंकि एक्सटर्नल फ्लो में हमारे पास क्या होता है, एवरीवेयर प्रेशर क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, और दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर, दैट्स वाई प्रेशर ग्रेडियंट क्या होती है, जीरो होती है। और ये टू डायमेंशनल फ्लो लिया जाता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से इस इक्वेशन को डेराइव किया जाता है, और ये इक्वेशन होती है हमारे पास टॉ नॉट अपॉन रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर इक्वल टू डी थीटा वाई डी एक्स। तो डायरेक्टली आपको याद रखनी है ये। इसके बाद बात करते हैं कि एवरेज ड्रैग कोएफिशिएंट।
कि एवरेज ड्रैग कोएफिशिएंट होता है हमारे पास सी डी इक्वल टू एफ डी अपॉन 1/2 रो इंटू ए इंटू यू इन्फिनिटी का होल स्क्वायर, और लोकल ड्रैग कोएफिशिएंट इसकी वैल्यू होती है हमारे पास सी एफ एक्स इक्वल टू टॉन ऑट अपॉन 1/2 रो इंटू यू इन्फिनिटी का होल स्क्वायर। इसके बाद बात करते हैं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहां पर, वो ये बनता है कि डेल्टा और एक्स में क्या रिलेशनशिप होता है, कि डेल्टा एक्स के साथ किस टाइप से बैरी करता है। तो डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 1/2, मींस जैसे जैसे लीडिंग एज से डिस्टेंस बढ़ती जाती है बाउंड्री लेयर थिकनेस भी क्या होती है हमारे पास बढ़ती जाती है। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज इज इंक्रीजिंग बाउंड्री लेयर थिकनेस भी क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी, और इसके बेसिस पर आप इक्वेशन लिख सकते हो डेल्टा 2 बाई डेल्टा 1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स 2 बाई एक्स 1। तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा आपको याद रखना है कि सीयर स्ट्रेस एक्स की पावर 1/2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि सीयर स्ट्रेस एक्स की पावर 1/2 के क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और जो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बनता है और जो यहां से जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास वो बनता है यहां से कह सकते हैं कि सीयर स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 1/2। तो आप सॉल्व करेंगे तो यहां से फॉर्मूला बनेगा टॉन ऑट 1 अपॉन टॉन ऑट 2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स 2 बाई एक्स 1। तो इट मींस जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है लीडिंग एज से सीयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है डिक्रीज होती जाती है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी क्या है इंपॉर्टेंट है कि एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो सीयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। आफ्टर दैट एक क्वेश्चन और बनता है कि हमारे पास सेपरेशन पॉइंट पर सीयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है। सेपरेशन पॉइंट पर सीयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है, इट मींस वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगी हमारे पास जीरो होगी। और बाउंड्री लेयर सेपरेशन का रीजन क्या है ड्यू टू एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट, एडवर्स का मतलब है पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट। तो यहां से बाउंड्री लेयर सेपरेशन से तीन क्वेश्चन बनते हैं कि सेपरेशन पॉइंट पर सीयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है, सेपरेशन पॉइंट पर वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होती है वो भी जीरो होती है, और सेपरेशन पॉइंट पर प्रेशर ग्रेडियंट क्या होती है वो होती है एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट, मींस पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट होती है। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं लास्ट टॉपिक है हमारे पास फ्लूड मैकेनिक्स का डायमेंशनल एनालिसिस, और कुछ मिससेलेनियस टॉपिक्स और बचे हुए हैं वो मैंने एक लास्ट लेक्चर तैयार किया है इसी फ्लूड मैकेनिक्स का 15-20 मिनट्स का, तो उसमें वो सारे टॉपिक्स कवर कर दिए जो कि एडिशनल टॉपिक्स थे, क्योंकि आपको आप सोच रहे होंगे सर कुछ टॉपिक्स हमने यहाँ कवर नहीं किए, तो वो मैंने एक लास्ट वीडियो तैयार किया है जिसमें कंप्लीट फ्लूड मैकेनिक्स को एक बार रिवाइज कराया है, और उसमें वो सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जो इस वीडियो में नहीं है। तो हम बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, तो सबसे पहले आती है बकिंगम पाई थ्योरम। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है नंबर ऑफ पाई टर्म्स कितनी होती है, नंबर ऑफ पाई टर्म्स होती है हमारे पास एन माइनस का एम इंटू पाई, जहां पर n क्या है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स और m क्या है हमारे पास नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये ध्यान रखना है नंबर ऑफ पाई टर्म्स कितनी होंगी हमारे पास n माइनस का m, और n क्या है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं और m क्या है नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसके बाद आपको ये वेरियस फोर्सेस याद रखने हैं ये, और यहां से तो क्वेश्चन आता है वेरियस डायमेंशनलेस नंबर से, वेरियस डायमेंशनलेस नंबर्स ये आपको याद रखने हैं सारे ही, और आई थिंक आपके नोट्स में लिखे होंगे इसलिए मैंने ये डिस्कस नहीं किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट इन्हें याद रखते हैं, और आपको पता भी होगा एक क्वेश्चन यहाँ से 100% किसी ना किसी सेट में पूछा जाता रहता है। तो सबसे पहले आप बात कर सकते हैं, चलो यहाँ डिस्कस भी कर लीजिए आप, यहाँ मैंने डिस्कस भी किया है कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा हमारे पास आर ई, दिस विल बी इक्वल टू इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। इसके बाद आता है यूलर नंबर, और यूलर नंबर होता है हमारे पास इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स। फ्राउड नंबर होता है हमारे पास इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, और ध्यान रख लेना अंडर रूट भी होता है ये, तो ये केवल रेशियो पूछा जाता है। और इसके बाद बेवर नंबर होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स, तो यहां पर बेवा नंबर यूज में लिया जाता है जहां पर सरफेस टेंशन इंपॉर्टेंट होता है, और मैक नंबर होता है हमारे पास इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। तो ये फाइव डायमेंशनलेस नंबर्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए, और एसएससी में किसी ना किसी सेट में 100% एक क्वेश्चन यहां से आता है।
इसके बाद बात करते हैं सिमिलिट्यूड एंड मॉडलिंग की। तो ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी और ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी, काइनेमेटिक सिमिलरिटी और डायनेमिक सिमिलरिटी, तीन टाइप की सिमिलरिटी होती हैं। तो इसके बेसिस पे भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक क्या होता है, फ्लूड मैकेनिक्स का कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो हमने इस लेक्चर्स में शॉर्ट नोट्स डिस्कस किए हैं। इसके बेस पर कौन कौन से क्वेश्चंस एसएससी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।